हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 आपके अपने प्यारे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। तो अभी आई है एक बड़ी न्यूज़, गुड न्यूज़ है आरआरबी गोरखपुर वाले लोगों के लिए। तो आरआरबी गोरखपुर के जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था और पैनल का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। दिखाएंगे क्या है गुड न्यूज़। तो आप देख रहे होंगे एक लिंक देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ये लिंक, इस लिंक को आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आया है एक पैनल जो कि है टेक्नीशियन का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा पैनल, और अच्छा खासा पैनल दिया है, लगभग इसमें मैक्सिमम लड़कों का दे दिया है इन्होंने पैनल टेक्नीशियन का। और अभी कुछ पोस्ट के पैनल और आने हैं, तो देखते हैं ये एक पैनल क्या है और इसमें किस किस का सिलेक्शन हुआ है। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ आप अपना नाम कमेंट करके बताएं अगर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए अब पैनल के हम पीडीएफ पे ले चलते हैं, वहां दिखाएंगे आपको रोल नंबर और आपको पूरा डिटेल। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोविजनल पार्ट पैनल फिफ्थ फॉर टेक्नीशियन कैटेगरी। तो टेक्नीशियन कैटेगरी का पार्ट पैनल फिफ्थ है ये। इसके पहले चार पैनल आए थे, ये पांचवा पार्ट पैनल है। तो और ये आप डेट देख सकते हैं, अभी 26 मार्च की इसमें डेट दी हुई है, यानी ये 26 को अपलोड किया गया है और साइट पे आज शो कर रहा है। तो अब आप देखिए रोल नंबर्स, और मैं रोल नंबर स्लो करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। सारे रोल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। और अगर आपका इसमें नाम है, रोल नंबर है इसमें आपका, तो आप कमेंट करके बताएं। तो आप देखेंगे टोटल 163 कैंडिडेट्स का पैनल दिया गया है। और यहां पे नोट में लिखा है दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल प्रिपेयर्ड कीपिंग वैकेंसी फॉर कैंडिडेट्स फॉर केसेस रिक्वायरिंग फर्दर कंफर्मेशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। द रेस्ट पैनल विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग मेडिकल रिमेडिकल फाइनल रिपोर्ट्स अदर क्लेरिफिकेशन एक्स्ट्रा फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड कैंडिडेट। तो जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनमें से कुछ कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई करना बाकी है, और कुछ कैंडिडेट्स का रीमेडिकल का रिजल्ट आना बाकी है। तो उन कैंडिडेट्स की वैकेंसी को अभी रोक के रखा गया है और उनका रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। तो ये वो रिजल्ट है जिन कैंडिडेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी डॉक्यूमेंट और